हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत शानदार ट्रिक, जो स्क्वायर निकालने, किसी भी नंबर का स्क्वायर यू निकालने की आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे नंबर में तीन तरह के स्क्वायर निकालने की मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला मैं बता रहा हूँ जिसमें लेस देन 100, 100 से कम, जो 100 से कम नंबर है, जैसे 1 से लेके 99 तक जो नंबर है उनका स्क्वायर आप किस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि आपका नंबर लिखा है 97 का आपको स्क्वायर निकालना है, आपको 97 का स्क्वायर निकालना है, तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। वो ट्रिक ये रहेगी, आप देखें कि ये जो नंबर है 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, कितना कम है ये नंबर 100 से, 100 से कम है ये 3, कितना कम है ये 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो आपको 09 लिखना है। क्या लिखना है आपको? 09। अब आपको क्या करना है, अब ये 97 लिखा है, 97 में कितना कम है 100 से, 100 से कितना कम है ये 3 कम है, 3 माइनस कर दो, तो 97 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4 और ये 9, तो आपका आंसर आएगा 9409। तो 97 का स्क्वायर कितना है 9409 है। बहुत सिंपल ट्रिक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 94 का स्क्वायर करते हैं, 94 का स्क्वायर कर लेते हैं, 94 का स्क्वायर सीधी सी बात देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से ये 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36। अब इसके बाद कितना 6 कम है, 6 माइनस कर दो, 94 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 88 बचेगा, कितना बचेगा 88। तो 94 का स्क्वायर कितना आ गया 88 36। तो आया आपको ये समझ में? ये आपका था 100 से कम वाला। अब हम 100 से ज्यादा वाला करते हैं। जैसे कि अभी हमने 100 से कम वाले करे, वैसे ही आपके 100 से ज्यादा वाले होंगे। तो जैसे मुझे अगर 103 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है मुझे 103 का, तो आप देखें 100 से कितना ज्यादा है ये, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 3 9। अब आपको करना है क्या है, जितना 100 से ज्यादा उतना इसमें जोड़ दो, कितना 103 प्लस 3 कितना हो जाएगा 106, तो 10609 ये आपका 103 का स्क्वायर हो गया। हम और देख लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर करने 7 से कितना 100 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49। अब जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दो, तो 107 में प्लस करूँगा मैं 7 तो कितना हो जाएगा 114 114, तो यहाँ पे लिख दें 114, तो ये आपका आ गया 11449, ये आपका 107 का स्क्वायर आ गया है। ना बहुत शानदार ट्रिक, बिल्कुल शानदार ट्रिक है। अभी मैं आपको, ये तो मैंने 100 के नियर बाय बताएं, अब मैं आपको बताऊं जो 100 से थोड़े दूर है उन नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखें, सपोज कि हमारे पास नंबर है 89, कितना नंबर है हमारे पास 89 नंबर, इसका करेंगे तो वो 100 से कम है, 100 से लेस देन है, तो क्या करें, 100 से कितना लेस देन है देख लो, 100 से लेस देन 90, तो 11 लेस देन है, कितना लेस देन है 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, कितना होगा 121, तो आप ये 121 लिख देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको बस दो ही नंबर लिखना हो, तो तीसरा नंबर हमेशा आपको कैरी मानना है, क्या मानना है इसको कैरी, आप आगे जोड़ेंगे, तो ये कितना आपका, अब आपका क्या करते हैं, जो 100 से कम होता है उसका क्या करते हैं, जितना कम होता है उतना माइनस कर देते हैं, तो 89 में से 11 माइनस करो कितना हो जाएगा 8 बचेगा, और ये आपका, ये भी आपका 8, ये आपका 7 बचेगा, तो 78, तो ये एक कैरी आई थी 1, तो इसमें प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 79, तो आपका आंसर आएगा 79 21। तो यहाँ यहाँ क्या रखना है, यहाँ पे तीन नंबर आ जाते हैं ना, तो वो जो कैरी में चला जाता है, एक नंबर किस में चला जाता है, वो कैरी में। जैसे मैं और भी एक नंबर लेना, 79 का हम निकालें, किसका निकाले हम 79 का स्क्वायर, तो सिंपल कितना कम है ये 21 कम है, कितना है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, कितना होता है 441, तो आपको जो 4 है वो कैरी में चला जाएगा, तो 79 में से 21 माइनस करो कितना बचेगा 8, ये बचेगा 558 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62, तो आपको जाएगा 62 41, तो ये आपका आंसर आएगा 62 41, 79 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के बाद मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ स्क्वायर की,
और ये स्क्वायर की जो ट्रिक रहेगी, जैसे जिसके लास्ट में 5 है, लास्ट में क्या है 5, जैसे कि 45 का स्क्वायर मुझे निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है, तो जितने भी नंबर है जिनके आखिरी में 5 लिखा रहता है, जिनके आखिरी में 5 लिखा रहता है उनमें कुछ नहीं करना होता है, आपको पता है हमेशा 5 का हो जाएगा 25, तो यहाँ पे जो 4 लिखा है इसको एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, तो 25, तो आपको 45 का स्क्वायर कितना 20 25, 55 का निकालूंगा ये तो 25, 5 से एक ज़्यादा कितना हो अच्छा है, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, तो 3025, 65 का निकालूंगा तो 25 ऐसे ही रहेगा, और 7 × 6 = 42, तो 4225 हो जाएगा, 85 का निकालूंगा तो ये हो जाएगा 25, 8 से एक ज़्यादा कितना होता है 9, तो 8 × 7 = 72, तो 72 25 है ना, यूं चुटकियों में स्क्वायर निकल रहा है। तो गाइज इसी के साथ आपके जो स्क्वायर की जो ट्रिक थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी, इसमें जितनी भी स्क्वायर की ट्रिक होती है वो मैंने आपको पूरी बता दी, जो लेस देन 3 और आपका ग्रेटर देन 3 नंबर है, तो 3 नंबर तक के स्क्वायर आप आसानी से यूं चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, और ना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।